हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कहानी आलोचना की वैश्विक परंपरा की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। आज हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन कहानी आलोचना की वैश्विक परंपरा की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखें तो कहानी को नए और कम अनुभव वाले लेखकों की विधा माने जाने का दृष्टिकोण काफी समय तक बना रहा, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि उपन्यास को लिखने के लिए काफी अधिक अनुभव और परिपक्वता की जरूरत होती है। इसलिए उपन्यास को एक गंभीर विधा और उसकी तुलना में कहानी को कमजोर लेखन माना गया। कहानी लेखकों ने इसका पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि इन कहानीकारों अपने दौर के महान उपन्यासकार भी थे और इन्होंने कहानी में संक्षिप्तता, प्रभाव की एकान्वति और चरित्रों की सीमित संख्या को इसकी ताकत माना था। सॉमरसेट मॉम ने भी कहानी की अत्यधिक सराहना की थी, क्योंकि संक्षिप्त होने के बावजूद भी इसमें एक आरंभ, मध्य और एक अंत होता है। तथा कहानीकार गाई दे मोपसा ने माना कि कहानी संक्षिप्त रचना होने के बावजूद जीवन के यथार्थवादी पक्षों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति करती है। अधिकांश कहानी लेखकों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि कहानी में यह बाह्यता नहीं होती कि विस्तृत कथानक को रचा जाए और उसमें मौजूद अंतः संघर्षों को सुलझाया जाए, क्योंकि कहानी अपने संक्षिप्त स्वरूप में ही भावों के सूक्ष्म उतार चढ़ावों को चित्रित करने में सहज ही सक्षम होती है। कहानी लिखने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकारों ने अपने अनुभव के आधार पर कहानी विधा को कलात्मकता से अत्यंत परिपूर्ण तथा समृद्ध माना, क्योंकि उपन्यास की तुलना में इसके पात्रों के भौतिक चित्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती और पात्रों की खूबियों और कमजोरियों को उनके आपसी वार्तालाप के माध्यम से उभारना संभव है। आलोचक के रूप में ट्रेमेन कपोट का यह मानना था कि कहानी वस्तुतः एक ऐसा कला रूप है जिसकी साधना सबसे कठिन है। कहानी अभी तक प्रचलित समस्त गद्य रूपों में सर्वाधिक अनुशासन की मांग करती है। इसके बाद चेखव ने कहानी विषयक विचारों की समीक्षा की। उनके विचारों ने कहानीकारों और कहानी के आलोचकों को अत्यंत गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि चेखव का यह मानना था कि कहानी में सतह पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले से अधिक महत्वपूर्ण है जो भीतर छिपा हुआ होता है। बर्नार्ड मलामूड ने
कहानी को जीवन के एक प्रमुख कालखंड पर आधारित मानते हुए कहा कि इसमें घटित होने वाला घटित संक्षिप्त व तेजी से आकार लेने वाला होता है। अतः कहानी लेखक जीवन की जटिलताओं को इस रूप में समेट पाने में सक्षम होता है कि वह अत्यंत अल्प समय में ही जिंदगी की अत्यंत गहरी समझ को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है, क्योंकि कहानी में जीवन की संवेदना अपने बहुवर्णी और बहुधर्मी स्वरूप में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है। यूडोरा वेल्टी ने कहानी को जीवन के संघर्षों की अत्यधिक यथार्थ अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक सशक्त विधा माना है। उन्होंने कहा कि कहानी में एक प्रभावशाली मूड होता है तथा इसके पात्र, घटनाएं और परिदृश्य आदि सब इसी मूड के अधीन होते हैं। इसलिए कहानी जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता को अत्यंत गंभीरता के साथ व्यक्त करती है। उपयुक्त कहानीकारों और विद्वानों के विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि आज के समस्त वैश्विक परिदृश्य में कहानी की आलोचना एक परिपक्व तथा सशक्त स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना कहानी आलोचना की वैश्विक परंपरा की उपलब्धियों के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी कहानी की आरंभिक आलोचना की विशेषताओं को जानेंगे। तब तक के लिए, अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।